हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ऑसम एआई टूल लेके आया हूँ, जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रेजेंटेशंस को जो है वो सिर्फ एक टेक्स्ट कमांड देकर के बना सकते हैं। आपको सिर्फ इस एआई टूल को बताना है कि आप किस बारे में प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं वन लाइनर में, और बाकी सारा काम जो है वो ये एआई टूल आपके लिए करने वाला है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसमें प्रेजेंटेशन जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स से जैसे कि आप इस पर देख पा रहे हैं कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कि आपको मार्स पे कॉलोनी बनानी है और उसके लिए आपको कोई डेक अपने बॉस को सबमिट करनी है। तो आपको यहां पर सिंपली क्या लिखना होगा कि बिल्डिंग अ पिच डेक फॉर बिल्डिंग अ कॉलोनी ऑन मार्स। दैट्स इट, आपने इतना लिखा और इस पे क्लिक कर दिया। अब आप देखिए, इसने मिनटों में आपके लिए पूरी प्रेजेंटेशन देखिए इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है, और वो भी पूरे डिटेल में। प्लान क्या होगा, क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्या चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस उसके क्या होंगे, और कंक्लूजन क्या होगा। और इमेजेस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इमेजेस इसने ली हैं, और इसको आप साथ ही साथ एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस पे काम कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल पे गामा डॉट ऐप पे सर्च करना होगा, और आप आ जाएंगे कुछ इस तरीके के पेज पे। यहाँ आप देख पा रहे हैं न्यू विद एआई का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, गाइडेड एंड टेक्स्ट टू डेक। तो हम क्लिक करेंगे दूसरे वाले ऑप्शन पे, और इस पे क्लिक करते ही जो है वो हमसे यहाँ पर ये पूछेगा कि आपको किस बारे में जो है वो प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है ना, उस प्रेजेंटेशन बनाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि कितनी स्लाइड्स आपको चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से 11 स्लाइड चाहिए आपको, 10 स्लाइड चाहिए, 9 स्लाइड, 8 स्लाइड। तो मैं जैसे 8 स्लाइड की बनाता हूँ, ठीक है ना। वो आपको यहाँ से किस फॉर्म में चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए या वेब पेज बनाना है, क्या बनाना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सिंपली बनाना है कि प्रेजेंटेशन अबाउट, लेट्स से मैं हैंडीक्राफ्ट बिजनेस और उसके पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन अबाउट हैंडीक्राफ्ट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस सॉरी एंड इट्स पोटेंशियल, ठीक है ना। इतना मुझे यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद मैं यहाँ पर जनरेट पे मुझे सिर्फ क्लिक कर देना है, फिर वो मुझे कुछ टेम्पलेट्स देगा, ठीक है ना। आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर इसने कुछ टेम्पलेट्स मुझे दिखाए कि आपको कैसे, जो भी टेम्पलेट आपको पसंद आ रहा हो यहाँ से सर्च कर सकते हो, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपली यहाँ पर सरप्राइज मी पे क्लिक कर दो, ठीक है ना। आप सरप्राइज पे क्लिक करके आपने कंटिन्यू कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब देखिए इसने जो है वो उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ये आपका लेआउट बनाएगा, ये क्या बिजनेस पॉइंट होगा, क्या इमेजेस होंगी, क्या फॉन्ट होगा, क्या डिज़ाइन होना चाहिए। तो ये देखिए इसने आपके लिए पूरी की पूरी जो है वो डेक बना करके रेडी कर दी है। जहाँ पर देखिए इसने द आर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के यहाँ पर एक स्लाइड है, मटेरियल मैटर्स, क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ें हैं। और ये देखिए हैंडीक्राफ्ट मार्केट कितनी किस तरीके से है, ऑनलाइन मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट, सोशल मीडिया सेल्स, तो देखिए कितना अच्छा इसने जो है वो सब कुछ बनाया है। द पावर ऑफ ब्रांडिंग क्या हो सकती है, यहाँ पर मार्केटिंग टिप्स भी देखिए ये आपको दे रहा है कि SEO वगैरह कर सकते हैं आप, ट्रेड शोज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर सकते हैं। तो देखिए इतना अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी जो है एकदम रियलिस्टिक जो है बातें कर रहा है। मैनेजिंग योर फाइनेंसेस कैसे आप उस पर काम कर सकते हैं, प्राइसिंग योर क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें इसने आपके लिए जो है वो पूरी डेक बना करके दे दी है। अब लेट्स से आपको इसमें जो है वो चेंज करना हो कुछ भी, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो उस पर कैसे काम करना है, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये आपको जैसे कंटेंट है, ये वाला कंटेंट जो है, तो अगर आपको इसको कुछ चेंज करना है या कोई थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है ना, तो आपने जैसे आपने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, स्लाइड पर क्लिक किया, और यहाँ पर आप जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि इसको आप सिर्फ कुछ टेक्स्ट कमांड दे करके एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे अमेजिंग चीज़ है इस बार इस टूल के बारे में। देखिए आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ से पूछेगा कि आप क्या चेंजेस करना चाहते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। मेक दिस साउंड मोर प्रोफेशनल, सजेस्ट सब इमेजेस, ये सारी चीज़ें वो दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको इमेज जैसे कुछ करना तो वो भी आप कर सकते हैं, और अदरवाइज जैसे आपको जैसे ये कंटेंट जो इसका लिखा हुआ था, मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट जो है वो टेबल फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। अभी 1-2-3 फॉर्म में लिखा हुआ है लेट्स से, तो मैं कहता हूँ कि राइट द कंटेंट सॉरी इन टेबल फॉर्म, ठीक है ना। मैं इतना लिखूंगा और इसको यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर दूंगा, तो देखते हैं कि कैसे इसमें चेंजेस कर, और इसने इसको देखिए जो है वो टेबल फॉर्म में बना दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। आपको कुछ इमेज नहीं अच्छी लग रही है लेट्स से, तो आपने अगेन इस स्लाइड को क्लिक किया और आपने इस पर बोला कि यहाँ पर जैसे आपको पहले ये दे रहा था कि सजेस्ट सम मोर इमेजेस, ठीक है ना। तो आपने इस पर क्लिक करा, देखिए यहाँ से वो आपसे कुछ इमेजेस भी आपको दिखा रहा है कि क्या क्या इमेजेस आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है कुछ भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप इसको यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिंक भी शेयर कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का, और अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहाँ से जो है इस ऑप्शन से यहाँ पर आप देख सकते हैं डुप्लीकेट एक्सपोर्ट PDF करके इसको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ऐसे ही AI अपडेटेड वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।